एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो कहाँ जा रहे हैं? चल तो दिए, खांसी इतनी हो रही है मुझे तो, और चल दिए। मैंने यही सूट पहना है क्योंकि ये कंफर्टेबल है, हल्का भी है, गर्मी भी है। और बहन को कर दिया है तैयार, बहन को दिखाऊंगी। मेरे से कुछ पहना भी नहीं जा रहा है गले में ना कुछ भी। और दिसो ध्यान से बेटा, ठीक है? सब्जी रखी है बड़ी हुई और खाना वाना खा लेना अभी बहन का। इस तरह से हम भात नोतने जा रहे हैं, देख लो इस तरह के कपड़े पहन के। कपड़े मैंने ना अभी परसों भी सिल के आए, लेकिन चूड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी, इसकी चूड़ी ये थोड़ी पड़ी हुई थी तो इसलिए ये पहन लिया, पहले पक्का नहीं था। और ये तैयार हो गई है सनेस। सनेस पूरा लुक दिखा अपना, मैंने सनेस को भी तैयार किया है, ये देखिए। अरे मेरे को तो तैयार नहीं किया, ये है सनेस जी का लुक। तो चलते हैं फिर, गाड़ी तैयार खड़ी है। मौसम अब खराब हुआ है, पहले मुझे गर्मी का लग रहा था। सूट मेरा सही लग रहा है, ठीक है बेटा। हिमांशी कार्तिक, मैंने सलवार को बदली ना, पकड़ ना भी सही रहा, कोई दिक्कत ना है। पीला है वैसा है सूट, इसमें पता ना चल रही। हां बढ़िया लगा, बढ़िया। ऊपर टांग लेती, जाओ जाओ जाओ, अब बंद करो, अब चलो मैं यार दिखा रहा हूं। तो हम तो चल रहे हैं दोस्तों, और अनिता दीदी को भी लेना है, पता नहीं कैसे कैसे होगा। और चप्पल भी पता है मैंने कैसी पहनी है, चप्पल भी मतलब सिंपल सी पहनी है क्योंकि सूट भी सिंपल ही है। अब सरेस आ गई तो मेरा भी जाना हो गया, नहीं तो मेरा पक्का नहीं था, अब नहीं तो तैयारी रखती। पानी की बोतल ले आई है सरेस, तो चल मिलते हैं थोड़ी देर में, जो भी होगा सब आप सबके साथ शेयर करेंगे। चल दिए अभी निकले, मतलब टाइम हो गया, वो लोग भी निकल गए, हम उनसे लेट हो गए हम काफी। ये हमारी मार्केट, अभी घर से निकले हैं बस, और टाइम लग जाएगा। मार्केट दिखाती हूँ यार, ऐसे कैसे निकलोगे भैया किधर से? गांधीनगर। अच्छा, गांधीनगर से सीधा अक्षरधाम। जाम तो नहीं मिलेगा ना भैया आज तो? हाँ मिलना तो नहीं, मिलना नहीं चाहिए क्योंकि आज संडे है ना। मयूर विहार फिर नोएडा आ जाएगा। हाँ फिर नोएडा आप क्या सवारी दीदी मिलेगी, तो अभी वेट कर रहे हैं दीदी का, और दीदी आने वाली है, दीदी की मार्केट में आ रहे हैं। अब दीदी फोन करेंगी, जब आ लेंगी तो मेरे पास में। हाँ दीदी पीछे होगी, मैंने कहा दीदी आपको गाड़ी दिख रही है कहाँ? और गाड़ी उन्होंने कैसे पता चलाएगी कि भाई हम कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं? वैसी कह रही दीदी, दीदी आ रही है। तो गाड़ी हमारी, गाड़ी में आ चुके हैं नए नए मेहमान, ये सीमा जी और दीदी हैं। तो फोटो भी क्लिक होंगे तो वो तो वही होंगे, फोटो ले लो। साफ नहीं आ रहे थे आप, मैं उजाले में आ रही हूँ, आप अंधेरे में आ रहे हो। तो अब तो मार्केट, अब तो मिलेंगे वही जाके बस। नहीं भैया बहुत बड़े पार्क में नहीं आए हम आ गए ग्रेटर नोएडा में, एंट्री हो चुकी है हमारी है ना काफी देर पहले। तो हाँ रास्ता बहुत अच्छा है, और मैं डर रही थी अभी फोन उठाती बार भी, अभी फोन आ रहा है लेकर आना होता है क्योंकि सीधा निकल जाएंगे तो बुलंदशहर चले जाएंगे। नहीं हम जैसे स्कूल जाते हैं ना बड़ी चौक से ही, बच्चे ही चलाते हैं, इतना ध्यान भी नहीं देते तो वो कार से वगैरह आते हैं। स्कूल परी चौक रसोई है ये तो जा रहा है। गेहूँ काटने पर मैं बीमार होगी, वीडियो बनाने।
बता दियो हमारा बुक पड़ा है या हमारा बुजुर्ग कार चढ़ कर आता है। दीदी मैं बहुत ज्यादा कहूँ कि पचारे में रहने को मन करे, अब देखो कितना अच्छा लग रहा जी के लिए अब दिल्ली में। दीदी पचारे रहने का क्या करोगे? जंगल में दो चार दिन के लिए अच्छा लगेगा। पचारा मैं दीदी जगह बना के खेत में, अब तो लाइट भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अच्छा आपने पचारों में देखो बदल गया, और भी टैलेंट है सच में। हर बार जाओ ना आप तो बहुत टाइम होगा। मैं दिवाली में अब गई ना, उसमें भी फर्क हो काफी। दिशान दो साल हो गए पूरे। अब बेटो मामी जी भी आएंगे ना, ऐसी वीडियो कैसी बनती है अगर मैं इसे सर पर रख के और फिर इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बना दी। अब दीदी साथ मैंने मैं इनसे पूछ लेती ठीक हो, दीदी कहेंगी जबरदस्ती। एक बार है ना दीदी हम आ गए खोली, खोली देना पर नांगल गांव पड़े आगे तो वहां के रहने वाले तो ये गई वहां ग्रेटर नोएडा वालों, हम खो गए हैं तुम्हारे ग्रेटर नोएडा में। अगर कोई हमें पहचान पाए तो ढूंढ लेना यही कौन सी गाड़ी है भैया। हमारी गाड़ी ये गाड़ी है हमारी, और ये इसका कलर है और हमारा ये नाम है, आप सब जानते ही हो। तो ये हमारी भैंसे चल रही है, यहाँ हम खड़े हैं। तो आप हम गांव बरसात के आसपास हैं, लेकिन ये बरसात कहीं भी आ रही है ना, बारिश यहाँ पे नहीं हो रही है। गांव बरसात है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, धूप निकल रही है अच्छी खासी। धूप है बरसात के आसपास लेकिन हमें गांव नहीं पा रहा। गांव भाई गांव आ गए हम, गांव में आ गया। अब हम पा गया हमें बाद में बात करेंगे आप सभी से, और ब्लॉग हमारा कंप्लीट हो गया होगा तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा कल। बरसात हो सकता है अंदर गांव में बारिश हो रही हो तो आप सभी के साथ शेयर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम जी।